ये देखिए होता क्या है हमारे पास कि बेसिकली ये एक खास किस्म का मच्छर है जिसको कहते हैं एडिस इजिप्टाई, ठीक है। और ये हमारे पास जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो इंडिया से ये चीज़ यहाँ हमारे पास पहुँची। वैसे तो खैर ये एशिया में और जगहों पर भी है लेकिन हमारे यहाँ जो आया है वो इंडिया से आया। इस मच्छर की जो निशानी है वो अगर आप इसको गौर से देखें तो उस पर बिल्कुल ज़ीब्रा की तरह से उसके ऊपर वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होती है, बहुत ईजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये मच्छर। ये मच्छर आमतौर से घरों के अंदर होता है, साफ पानी के अंदर होता है, तो जो गंदा पानी है उस पर हम डाल देते हैं ना कैरोसिन या ऐसी कोई चीज़, वो तो है ही घरों के अंदर। होता ये है कि जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा होशियार या बेदार हो जाती है तो ज़्यादा ज़्यादा वो क्या करती है, रोड के ऊपर गाड़ी गुजरती है स्प्रे करती हुई चली जाती है। स्प्रे जब होता है तो क्या होता है, फौरी तौर पर घर वालों का रिएक्शन, वो अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, अंदर धुआं है और वो मच्छर अंदर है, वो मच्छर है घरों के अंदर, ठीक है। मच्छर घरों के अंदर है, जब ये गाड़ी स्प्रे कर दी जाती है तो हम फौरी तौर पर अपनी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं उससे बचने के लिए, वो मच्छर भी महफूज हो जाता है घर के अंदर, ठीक है। अब मुझे बड़ा जोश आ गया कि भाई मैं तो स्प्रे करना चाह रहा हूँ अपने घर के अंदर, मैंने अपने घर के अंदर स्प्रे करवा दिया, वो मच्छर इस घर में चला गया, निकल गया, उसको भी तो बचना है ना, इन्होंने स्प्रे करवाया वो निकल के बाद में मेरे घर में आ गया। इसका जो टेक्निकल तरीका है इस मच्छर से निजात हासिल करने का, एक दफ़ा ये स्पीशी यहाँ आ गई है ना इससे निजात के लिए, कि एक दिन तय किया जाए 14 अगस्त पाकिस्तान बना था, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गाड़ियाँ पूरे शहर में घूमेंगी, मच्छर स्प्रे करेंगी और तमाम लोग कौमी तराना बजाते हुए अपने अपने घरों में 1 घंटे के लिए स्प्रे करेंगे। उससे क्या होगा कि जब इस घर में स्प्रे होगा ये यहाँ जाएगा, यहाँ भी स्प्रे होगा, वो बाहर निकलेगा, बाहर भी उसको वही स्प्रे मिलेगा, अल्टीमेटली वो मच्छर मर जाएगा। अभी ये होता है कि यहाँ स्प्रे होता है तो यहाँ घुस जाता है, यहाँ स्प्रे होता है तो यहाँ घुस जाता है, मच्छर अभी तक बचा हुआ है। तो अगर इस तरह से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर इस बीमारी से शायद निजात मिल जाए। कोई टेम्परेरी, क्योंकि आप मुनज्जम होने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, अब दूसरा इंडिविजुअली आप कैसे करें, तो माइक्रो लेवल की बात होगी ना, माइक्रो लेवल पे आप फुल स्लीव के कपड़े पहने, खासतौर से जून के बाद से, ये जुलाई के बाद ये सिलसिला शुरू होता है, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर, जो ऑटम का जब ज़माना आता है गर्मियों से ऑटम की तरफ हम जाते हैं और ये प्रॉब्लम शुरू होता है। एक तो आप अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं एक्सपोज होने से बचाएं, दूसरा उसके ऊपर कोई ऐसा मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें जैसे मॉस्पेल है या कोई कुछ नहीं तो कुछ ऑयल लगा लें, पेट्रोलियम जेली मिलती है वो लगा लें तो उससे आप बच जाएंगे, मच्छर काटेंगे। दूसरा घरों में वो जो लिक्विड ऑयल वो आता है रिपेलेंट, इलेक्ट्रिक रिपेलेंट वो लगा लें। What about गंदा पानी या साफ पानी का स्टोरेज हो जाता है? पानी के स्टोरेज तो अब आप कैसे बचेंगे, आप देखें आमतौर से मैंने देखा आप जो अंडरग्राउंड टैंक होता है पानी के टैंक उसका ढक्कन आप खोलें उसके अंदर आपको मच्छर नजर आएंगे, उसके ऊपर क्या दवाई डालें वो मच्छर मर जाए। अब दवाई का ये है कि अभी ये ऑफन में मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको खास तौर से मारने के लिए कोई ऐसी दवाई जो कि पानी को भी ख़राब ना करे क्योंकि पीने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो उसके भी कुछ होगा डेफिनेटली, लेकिन क्लोराइड या कुछ क्लोरीन तो पानी को साफ करने के लिए उसकी जो मिट्टी होती है और दूसरी जो चीज़ें पानी को खराब नहीं करते, उस पर्टिकुलर मच्छर को मारने की बात हो रही है या मच्छर से बचना है आपको, आप फुल स्लीव के कपड़े पहन लें, आप कुछ ऐसा लिक्विड वगैरह लगा लें, सरसों का तेल लगा लें।